हेलो एवरीवान आई एम दिव्या एंड आर बी रिव्यूइंग द स्विस्टी एच डी कंसीलर पेन एंड द शेड शेडर आई हैव जीरो थ्री प्योर बेज तो पहले स्वाचेस देख लेते हैं एंड शेड कंपेरिजन कर लेते हैं एंड देन वी टू द रिव्यू तो ये शेड जो है जीरो थ्री प्योर बेज ये मेरे लिए डार्क है आई हैव लाइट मीडियम स्किन और मैं इसे हाई कंसीलर की तरह तो यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ इन फैक्ट ये मेरी स्किन टोन से भी डार्क शेड है एंड इट लुक्स वेरी गोल्डन एंड थोड़ी सी इसमें ऑरेंज अंडरटोन्स भी हैं तो इसलिए मेरी स्किन पे सूट नहीं करता है आई कैन प्रोबली यूज दिस एज अ कलर करेक्टर अब मैं इसे कंपेयर करूंगी कुछ और शेड्स के साथ ये है शेड जीरो सिक्स स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर का और आप देखोगे कि ये दोनों शेड काफ़ी सिमिलर हैं बस थोड़ा सा अंडरटोन का डिफरेंस है जो जीरो थ्री प्योर बेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा वार्म है एंड इसलिए डीपर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से ये शेड जाएगा फॉर हाइलाइटिंग पर्पसेस। अब यहाँ पे मैं स्वॉच कर रही हूँ शेड ज़ीरो वन वाम्स एंड द स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड ये शेड तो काफ़ी ज़्यादा डार्क है इन कम्पेरिजन टू जीरो थ्री प्योर बेज अब मैं सोच करूँगी मेरा शेड विच इज़ ज़ीरो थ्री लाइट मोइन फ्रॉम द स्व ब्यूटी लिक्विड कंसीलर ये शेड मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा शेड है अब आप देख ही सकते हो कि इन दोनों शेड में कितना डिफरेंस है जो नया वाला कंसीलर है पेन कंसीलर उसमें ज़ीरो थ्री कितना डार्क है और जो लिक्विड कंसीलर है उसमें ज़ीरो थ्री कितना लाइट है सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेड्स अब मैं इसे मे फिटमी के साथ कंपेयर करूंगी एंड दिस इज़ द शेड टू ट्वेंटी एट सॉफ्ट टैन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी टू ट्वेंटी एट सॉफ्ट टैन थोड़ा सा लाइट है और जो ज़ीरो थ्री प्योर बेज है वो थोड़ा सा डार्क है एंड ज़्यादा वॉम है एंड नाउ आई एम स्वॉचिंग फिटमी फाउंडेशन इन शेड थ्री हंड्रेड टेन सन बेज अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे स्वाचेज तो इन सारे स्वाचेज को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो मेरे पास शेड है जीरो थ्री प्योर बेज पेन कंसीलर में से ये डीपर स्किन टोन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप थ्री हंड्रेड टेन से ऊपर के शेड हो फिटमी में फॉर एग्जांपल एक गोल्डन शेड आता है फिटमी में जैसे थ्री थर्टी टू हो या थ्री थर्टी हो तो आप पे ये बहुत अच्छा हाइलाइटिंग शेड की तरह काम करेगा लेकिन अगर आप फेयर टू लाइट मीडियम स्किन आ, स्किन टोन के हो या मीडियम स्किन टोन के हो जैसे आप टू 230 ये सब भी अगर यूज करते हो तो वो आप पे काम नहीं करेगा नाउ लेट्स कम टू द रिव्यू तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं तो आई वुड से इसका जो फॉर्मूला है इज एक्जैक्टली सिमिलर टू स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर का फॉर्मूला जो इनका पुराना वाला कंसीलर है स्विस ब्यूटी का उसका और इसका फार्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है एटलीस्ट आई फील्स सो क्योंकि ये भी आपको थोड़ी सी ड्यूवी या फिर ल्यूमिनस फिनिश देता है दिस वन इज नॉट मैट एंड बहुत ही ईजिल ब्लेंड जाता है फुल कवरेज प्रोवाइड करता है सो so, फॉर्मूला तो मुझे बिल्कुल ही सेम लगा जब मैंने इसको लगाया इस कंसीलर को एंड ब्लेंड किया तो बस ब्लेंड करते ही आई थॉट कि यार ये तो वही स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर वाला ही फॉर्मूला है सो द फार्मूला इज एक्जैक्टली सिमिलर सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है इनमें एज फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न एंड दैट इज अबाउट द फ्रेगरेंस पुराना वाला जो स्विस्बीटी का कंसीलर था उसमें एक स्ट्रांग फ्रेगरेंस थी एंड मेरी आईज बहुत सेंसिटिव है तो मुझे उससे इश्यूज होते थे मेरी आईज इरिटेट होने लगती थी तो जब मैं कंसीलर को अप्लाई करती थी तो मेरी आंखों में हल्की सी जलन मचने लगती थी जब मैं उसे ब्लेंड कर लेती थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे लेकिन इमिडिएटली अप्लाई करते ही मुझे थोड़ी सी Uh, जलन मचने लगती थी आंखों में लेकिन इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है और मेरी सेंसिटिव आईज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस कंसीलर से विच इज अमेजिंग जो डिफरेंसेस है वो बाकी सारी चीजों में आते हैं जैसे सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं जो पुराना वाला कंसीलर था उसकी पैकेजिंग वैसे वॉन्ड वाली थी वो एक यू नो बॉटल में आता था एंड ये जो है ये ऐसे uh, ट्विस्टेबल फॉर्म में है जैसे मेबलीन एज डिवाइन का कंसीलर होता है आई पर्सनली लाइक वो वॉन्ड वाला कंसीलर क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है आप जितना प्रोडक्ट चाहो उतना ही निकाल सकते हो लेकिन ये ट्विस्टेबल फॉर्म में हमेशा एक पंगा रहता है या तो प्रोडक्ट कभी आता ही नहीं है या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट आता है एंड वो आते ही चला जाता है लाइक अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ मैंने ट्विस्ट नहीं किया था लेकिन फिर भी इसमें से प्रोडक्ट अपने आप निकले जा रहा है तो इसलिए मुझे ये ट्विस्टेबल फॉर्म वाले पैकेजिंग पसंद नहीं आते हैं अगला डिफरेंस जो है वो शेड रेंज में है पुराने वाले कंसीलर में भी सिक्स शेड्स अवेलेबल हैं एंड इसमें भी सिक्स शेड्स अवेलेबल हैं बट आई फील कि ये जो नए वाला इन्होंने रिट्रैक्टेबल फॉर्म में निकाला है ये डीपर स्किन टोन्स के लिए ज्यादा सूटेबल है इसमें डीपर स्किन टोन को ज्यादा अपने लिए शेड्स मिल जाएंगे जो पुराना कंसीलर था लिक्विड कंसीलर उसमें आपको फेयर स्किन टोन के लिए ज्यादा शेड्स मिलते थे एंड हमेशा हमें ये कंप्लेन रहती थी, थी कि डीपर स्किन टोन के लिए अच्छे शेड्स नहीं हैं सो so आई थिंक उन्होंने फिर इस शेड रेंज में मोस्टली डीपर स्किन टोन के लिए ही निकाले हैं शेड्स बिकॉज इवन द शेड दैट आई हैव विच जीरो थ्री प्योर बेज ये मेरे स्किन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है दिस इज क्वाइट डार्क एंड ऑरेंज फॉर मी गोल्डन और ऑरेंज सा है मैंने इसे आज फाउंडेशन के नीचे यूज किया था बिकॉज ऊपर तो बहुत ही डार्क हो जाता है सो कलर करेक्टर की तरह मैंने इसे यूज किया था इवन ऑन द कैमरा लाइक कैमरा पे उतना डार्क नहीं दिख रहा था बट इन पर्सन आई कुड सी की बहुत ही ऑरेंज दिख रहा है मेरे फेस पे सो या आई वुड सी कि मोस्टली इसमें डीपर स्किन टोन के लिए शेड्स हैं आई थिंक इसमें मैक्स टू मैक्स दो शेड्स होंगे छे में से दो शेड्स होंगे जो फेयर टू लाइट मीडियम स्किन टोन पे जाएंगे सो आई माई ट्राई दम आउट तो जो डीपर स्किन टोन के लोग हैं जिन्हें पुराना वाला स्विस ब्यूटी का कंसीलर चाहिए था लेकिन उन्हें हमेशा शेड्स का पंगा रहता था सो दे कैन ट्राई दिस वन अगला जो डिफरेंस है वो है प्राइस का जो पुराना वाला कंसीलर था वो टू ट्वेंटी नाइन रुपीज का भी रिटेल करता है एंड ये जो नया वाला है ये टू नाइनटी नाइन रुपीज का रिटेल करता है तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है पुराने वाले कंसीलर से नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंसीलर सबसे पहले तो इसमें आपको फोर एम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है पुराने वाले में आपको फाइव पॉइंट मिलता था इट हैज नो पैरबिंस इन इट एंड दिस वन इज मेड इन ताइवान सो ओवरऑल वोडेक्ट इज की आई रियली लाइक दिस कंसीलर क्योंकि मुझे पुराना वाला कंसीलर भी बहुत पसंद था इसलिए मुझे ये वाला भी बहुत ज्यादा पसंद है पैकेजिंग uh, मुझे पुराने की पसंद है एंड ऑल्सो शेड्स जो है मेरे लिए वो पुराने वाले में बेटर है और प्राइस भी उसका कम है सो आई वुड से कि अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो आप पुराने वाले कंसीलर को ही ले सकते हो बट अगर आप डीप स्किन टोन के हो देन यू कैन ट्राई आउट द न्यू कंसीलर So that is it for today's review agar video helpful lagi ho, ho, then please do like it and you can also subscribe to my channel and i will see you in my next one bye it's good. midnight we're going on night can you pass a train to get the vi right? don't feel like having a, life. a with some salt and lunch oh my am i right